बहुजन राजनीति को अगर कामयाब करना है तो बहुजन नेताओं को ईवीएम के मुद्दे पर फ्रंट पर आना। बहुजन राजनीति जो राष्ट्रीय पार्टी कभी हुआ करती थी शरद पवार की, वो भी खत्म हो गई। मायावती जी की कभी राष्ट्रीय बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, उसका भी खत्म हो गया। दूसरी बात, बहुजन राजनीति का सेंटर कोई नहीं, आधार जो होना चाहिए अपने अपने बचाव में लगे हुए, ब्रॉड माइंडेड नहीं है। अब मायावती जी को सोचना चाहिए कि ज़्यादा खामोश रहने से और परिणाम ज़्यादा नुकसानदेह होगा। ऐसा तो नहीं है कि मायावती जी ना समझ रहे या उनको समझ में नहीं आ रही, मुद्दे समझ में नहीं आ रहे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बीजेपी भी चाहती है कि कांग्रेस हमारी ओपोजिट पार्टी हो, कोई और हमारी ओपोजिट पार्टी ना हो। ये और यूपीए दो दिखने के लिए तो दो अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन हाँ पॉलिसी सेम है। तो जब तक बहुजन नेता अपने एजेंडा पर, बहुजन एजेंडा पर इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक राजनीति का कोई दिशा तय होने वाला नहीं है। चौबीस में बहुजन तो किधर जाए, एक तरफ कांग्रेस एक तरफ बीजेपी है, जिसके बारे में काशीराम जी ने कहा था एक तरफ सांपनाथ एक तरफ नागनाथ है, और जो उसकी जो समाज की तमाम पार्टियां हैं वो उस समय कहीं भी मैदान में नजर नहीं आ रही हैं। तो बहुजन करे क्या? बहुजन राजनीति जो अभी जिस कगार पर है, दो बातों में ज्यादा मुझे लगता है रिवर्स में जा रही है। नंबर एक बात, चुनाव में दो नंबर का पैसा जो इस्तेमाल हो रहा है उनके कंपेयर में पैसा उन राजनीतिक पार्टियों के पास नहीं है। यहां टाटा बिरला अंबानी रिलायंस वाले इन्वेस्ट करते हो तो उसके मुकाबले तो पार्टियां टिक ही नहीं सकती। 21,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था मुंद्रा में अडानी पोर्ट का, केंद्र सरकार ने कुछ किया नहीं। तो दो नंबर का पैसे के दूसरे बहुत सारे तरीके हैं। दूसरा, ईवीएम वो फैक्टर है कि रिजल्ट निकालने नहीं देगा, ईवीएम बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुजन राजनीति को अगर कामयाब करना है तो बहुजन नेताओं को ईवीएम के मुद्दे पर फ्रंट पर आना चाहिए, ताकि ईवीएम उनकी पार्टी को, पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त कर रहे हैं। सर, लेकिन आप लगातार ईवीएम की बात कर रहे हैं, ईवीएम की बात और ईवीएम का जो विरोध है लगातार, सुप्रीम कोर्ट के कई एडवोकेट हैं वो लगातार कर रहे हैं, कुछ और लोग हैं, लेकिन जो पार्टियां हैं जिनको इलेक्शन लड़ना है वो ईवीएम का विरोध क्यों नहीं कर रही है? पार्टियां ईवीएम पर विरोध ना करने का बहुत सारे कारण हो सकता है, दबी जबान में कर रहे है, फिर ईडी का मैटर आ जाता है, फिर आय से अधिक संपत्ति का मैटर आ जाता है ना, फिर सीबीआई का मैटर आ जाता है ना, फिर उनको चुनाव भी लड़ना है, अगर विरोध करेंगे तो हमारा नुकसान ज्यादा होगा, इसलिए इस मुद्दे पर चुप रहो, जितना सीटें मिले उनके रहमो कर्मों पर ले लो। बहुजन राजनीति जो राष्ट्रीय पार्टी कभी हुआ करती थी शरद पवार की, वो भी खत्म हो गई। मायावती जी की कभी राष्ट्रीय बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, उसका भी खत्म हो गया। अपर कास्ट की पार्टियां जितनी भी है वहां पहुंच गई, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, तो वो लोग जब तक ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाएंगे तब तक उनका समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। दूसरी बात, बहुजन राजनीति का सेंटर कोई नहीं, आधार जो होना चाहिए अपने अपने बचाव में लगे हुए, ब्रॉड माइंडेड नहीं है। अगर इस देश में छोटी छोटी पार्टियों को लामबंद मायावती जी कर सकते हैं, 400-543 सीटें तो लड़ा नहीं रहे, अलग अलग अगर 2-4-5 सीटों देने वाली पार्टियों को लामबंद करे तो मुझे लगता है पूरे भारत का माहौल चेंज हो सकता है। आपको लगता है कि हर मुद्दे पे खामोश रहने वाली मायावती, ANI को इंटरव्यू देने वाली मायावती, क्या लगता है आपको बहुजन राजनीति को बदल पाएंगी सर? क्योंकि जिस तरीके से बहुजनों के हक अधिकार खत्म हो रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है, और उस दौर में जब इस बहुजन समाज ने अपने आप को जानना शुरू किया था और अब उसके सारे हक अधिकार खत्म होते जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से, स्कूल यूनिवर्सिटियों में शिक्षा पूरी तरीके से खत्म होती जा रही है, तो क्या बहुजन राजनीति को मायावती पलट सकती है इस दौर में, या उनकी खामोशी को आप किस तरीके से देख रहे हैं?
खामोशी का तो परिणाम है, ये परिणाम आया है, इतना सारा पार्टी का जो ग्राफ नीचे गया, ये नेशनल मुद्दों पर चुप रहने का ही तो परिणाम है, लोगों को जो उम्मीदें आशाएं थी। अब मायावती जी को सोचना चाहिए कि ज़्यादा खामोश रहने से और परिणाम ज़्यादा नुकसानदेह होगा, और हो सकती है उनकी समस्याएं हो सकती है, तो पार्टी को बचाए या अपने आप को बचाए या बहुजन समाज की राजनीति को बचाए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आने संविधान को बचाना है और आने वाली नस्लों को बचाना है तो खामोश नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मायावती जी ना समझे या उनको समझ में नहीं आ रही, मुद्दे समझ में नहीं आ रहे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हर पार्टी की अपनी अपनी एक प्रॉब्लम्स है और प्रॉब्लम्स को वो लोग इनकेस कर रहे हैं। अभी सिबू सोरेन, अभी हेमंत सोरेन का आप देख ही रहे हो, हेमंत सोरेन को आप देख ही रहे हो, बीच में आपने छगन भुजबल को देखा था, तो उनकी समस्या है, लेकिन उसके बावजूद भी समाज का बड़ा समर्थन उनके पास है। अगर वो मुद्दे उठाते हैं सड़कों पर तो निश्चित तौर पर उनका ग्राफ बढ़ने वाला है। सर 24 में बहुजन क्या करें? सवाल फिर से वही है कि 24 में बहुजन जाए तो कहाँ जाए या क्या संघर्ष करें आने वाले समय में? 24 में बहुजनों के पास अभी तक कोई विकल्प लग नहीं रहा है, ताकि नेता अपने अपने अहंकार और अपने अपने ईगो की वजह से एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ नहीं रहे हैं। दूसरी बात, बीजेपी भी चाहती है कि कांग्रेस हमारी ऑपोजिट पार्टी हो, कोई और हमारी ऑपोजिट पार्टी ना हो, ताकि नीतियां सेम है। प्राइवेटाइजेशन कांग्रेस ने शुरू किया, बीजेपी ने अमल किया, FDI कांग्रेस ने शुरू किया, बीजेपी अमल किया, जाति जनगणना बीजेपी कांग्रेस नहीं कर रही थी, बीजेपी भी नहीं कर रही है, भूमि अधिग्रहण कांग्रेस ने शुरू किया, बीजेपी अमल कर रही है, बहुत सारे मुद्दे है, SEZ कांग्रेस ने शुरू किया, बीजेपी अमल कर रही है उद्योगपतियों को जमीन देने के मामले में, तो बहुत सारे मुद्दे कॉमन है, पॉलिसी सेम है उनका। तो जो NDA और UPA दिखने के लिए तो दो अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन पॉलिसी सेम है। इसका बहुजनों को अगर चाहिए तो थर्ड फ्रंट उनको खोलना पड़ेगा, और उसमें अगर जो प्रस्तावित पार्टियां हैं उनको फ्रंट कर, छोटी पार्टियां अगर करेगी तो कोई उनका सुनने वाला ही नहीं है। प्रस्तावित पार्टियां अगर उन मुद्दों पर आगे आती है, जैसे RJD है, जैसे BSP है, जैसे शरद पवार जी है, जैसे मायावती जी है, जैसे अखिलेश यादव जी है, प्रस्तावित पार्टियां जो है, अगर वो कॉमन फ्रंट बनाकर अगर थर्ड मोर्चा बनाते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ आशा और उम्मीद हो सकती है, अन्यथा ये सिंगल करके वन वन करके तोड़ेंगे, खरीदेंगे, जैसे बीजेपी का पटना, आप बिहार का हाल देख रहे हो, नीतीश को साथ में ले लिया, सिंगल कर दिया लालू को, चिराग पासवान को साथ में ले लिया। तो जब तक बहुजन नेता अपने एजेंडा पर, बहुजन एजेंडा पर इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक राजनीति का कोई दिशा तय होने वाला नहीं है। सर अभी देश में जो भारत रत्न देने की जो बाढ़ चल रही है, सभी को भारत रत्न दिया जा रहा है, जयंत चौधरी के दादाजी को भारत रत्न दे दिया गया, वो भी बीजेपी में चले गए, कैसा देख रहे हैं? जो लोग कहते थे कि हम कभी मर जाएंगे बीजेपी में नहीं जाएंगे, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ऐसा लाभ है बीजेपी की तरफ? बीजेपी मानसिक रूप से ये हार, मतलब वो अपनी हार को उनको लग रहा है कि हम हारने वाले 2024 में, इसीलिए हर जगह मैनेज कर रहे हैं। अखिलेश तोड़कर जयंत चौधरी को मैनेज कर रहे हैं जाट बाहुल्य वोटों के लिए, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर MBC वहाँ जो उन्होंने लड़ाया यादव वर्षित से अति पिछड़ा, तो अति पिछड़े के नाम पर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर वोटों को लामबंद करना चाहते हैं नीतीश के माध्यम से और फिर MBC के माध्यम से, ताकि वो बड़ा गेम चल रहा है। एक समय था
इधर उत्तर प्रदेश में जाटो वर्सेज नॉन जाटो का शेड्यूल कास्ट का उपयोग चल रहा है, इसी तरह यादव वर्सेज नॉन यादव का एमबीसी का पिछड़ा बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड का चल रहा है, उसी तरह पासवान वर्सेज नॉन पासवान का चल रहा है। तो ये 2024 के में चुनाव बीजेपी माहौल बनाना चाहती है, ईवीएम से जीतने वाली है लेकिन माहौल बनेगा अनुकूल तब तो लोग विश्वास करेंगे, तो माहौल बनाना चाहती है, इसके लिए वो भारत रत्न एक लोकप्रियता के नाम पर उन जातियों में, अब आपको मालूम होगा सफाई कर्मी जातियां पूरे भारत में है, पूरे भारत में इनकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है,